नागपुर महानगर पालिका की ओर से महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर महानगर पालिका की ओर मुख्य कार्यालय में योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी, उप महापौर मनीषा धावड़े, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे और स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान मनपा की ओर से कोरोना के सभी नियमों का पालन किया गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने नगर वासियों को योग दिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही ये भी बताया गया कि कोरोना संक्रमण के चलते मनपा की ओर से कम लोगों की उपस्थिति में योग दिवस मनाया गया। विश्व योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के इस प्रादुर्भाव के कारण महानगर पालिका ने प्रतिनिधि स्वरूप में सीमित संख्या में आज योग दिवस का संचालन किया। समस्त अधिकारी पदाधिकारी इस समारोह में उपस्थित रहे, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। कोरोना के इस कार्यकाल में एक शब्द बहुत ज्यादा गुंजायमान रहा, वो शब्द था इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर, यह शब्द भी बहुत प्रचलित रहा। संपूर्ण योग क्रिया में हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने की प्रक्रिया ही सिखाई जाती है, और नियमित योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यह दृढ़ रूप से शरीर में समाविष्ट होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसे ही इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। इस दृष्टि से नियमित योग करने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप संचालित होगा, प्रभावित होगा, और रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में अपने आप उत्पन्न होगी। योग इसे अपने जीवन में दैनंदिन रूप में आप अपनाएं, यही आपसे अपेक्षा करता हूं। पुनश्च आप सभी को योग दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने भी कार्यक्रम में अपने मनोगत व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल में सभी को योगा का महत्व पता चला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने नागपूर महानगर पालिकेच्या वतीने आज एक प्रतिनिधिक स्वरूपात योगाचा दिवस साजरा करण्यात आलेला आहे। आत्ताच्या कोरोना महामारीच्या समयामध्ये योगाचं महत्त्व प्रत्येकाने कळालेले आहे। योग एक अत्यंत महत्त्वाचं साधन आहे। प्रत्येकांना त्यांच्या घरोघरी उपलब्ध जागेवर फॉलो करू शकतील। त्याच्यातून जे महत्त्वाचे जे प्रतिक्रिया शक्ती आहे, जे इम्युनिटी जो वाढवण्याचं जे महत्त्व आहे, ते प्रत्येकांना फायदा होईल। आणि यामध्ये लहान मुलापासून वयस्करपर्यंत प्रत्येकाने त्यांच्या मर्यादामध्ये करू शकतील। हे आपलं जे योगाचं महत्त्व आज पूर्ण संपूर्ण जगभरामध्ये प्रसिद्धी झालेले आहे, त्याच्या परिणामी आज आपण इंटरनॅशनल योगा डे साजरा करतो। याचा जसा प्रत्येक जगामध्ये प्रत्येक देशाने त्याचं महत्त्व ओळखलेले, आपण पण प्रत्येकाने आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये योगाचा एक भाग करून घेणे अतिशय उपयोगात होईल असं मला वाटतं। प्रत्येकांना परत इंटरनॅशनल योगा डेच्या अनुषंगाने शुभेच्छा। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपूर।